महाराष्ट्र विधान परिषद की 3 शिक्षक और 2 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीटों पर आज मतदान संपन्न हुआ। इन 5 सीटों पर कुल 83 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक विधान परिषद की नागपुर विभाग शिक्षक निर्वाचन सीट के लिए दोपहर 2 बजे तक करीब 60% मतदान हुआ। गढ़चिरौली में दोपहर 2 बजे तक करीब 70% मतदान हुआ। अमरावती विभाग में दोपहर 2 बजे तक करीब 30% मतदान होने की खबर है। महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाली नासिक सीट पर दोपहर 2 बजे तक करीब 32% मतदान हुआ। औरंगाबाद विभाग में दोपहर 2 बजे तक 58% मतदान हुआ। 2 फरवरी को मतगणना के बाद नतीजों की घोषणा की जाएगी। अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रंजीत पाटिल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पाटिल पर आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। विधायक रवि राणा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में दिए गए बयान को लेकर पाटिल पर आरोप लगाया गया है। वहीं भाजपा उम्मीदवार रंजीत पाटिल ने इसे विरोधियों की साजिश बताया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित एक जनसभा में सनातन विरोधियों को करारा जवाब दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन पर प्रत्येक भारतवासी को गर्व है। इस दुनिया में सनातन ही सबसे प्राचीन धर्म है। उन्होंने कहा कि आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सनातन धर्म के मूल्यों की रक्षा कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जलगांव दौरा आज रद्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री के सरकारी विमान में तकनीकी खराबी के कारण ये दौरा रद्द किया गया है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को जलगांव में महाकुंभ के समापन कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन दौरा रद्द होने के कारण वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने एक अहम फैसला देते हुए कहा है कि टाडा गतिविधियों में शामिल दोषियों को पैरोल पर जाने का अधिकार नहीं है। दरअसल आरोपी हसन मेहंदी शेख आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और उसने अपनी बीमार पत्नी को देखने के लिए नियमित पैरोल की मांग की थी। हसन शेख को टाडा के कड़े प्रावधानों सहित विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। 2 फरवरी को मुंबई महानगरपालिका का बजट पेश किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस बार बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कों के लिए पर्याप्त प्रावधान की घोषणा की जाएगी। पिछले वर्ष के बजट में स्वास्थ्य पर 1800 करोड़ की बढ़ोतरी हुई थी। इस साल भी इसके बढ़ने की संभावना है। लव जिहाद के खिलाफ मुंबई में हिंदूवादी संगठनों ने विशाल रैली निकाली। इस रैली में लव जिहाद के खिलाफ नारेबाजी की गई और धर्मांतरण रोधी कानून बनाने व धर्म के नाम पर जमीन हड़पने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। इस रैली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य हिंदूवादी संगठन शामिल हुए। मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के कई छात्रों ने विरोध के बावजूद बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री देखी। इन छात्रों ने पहले डॉक्यूमेंट्री की सामूहिक स्क्रीनिंग की योजना बनाई थी, लेकिन संस्थान द्वारा चेतावनी के बाद इसे लैपटॉप और मोबाइल के जरिए देखा गया। जानकारी मिलने पर बीजेपी की युवा शाखा के कार्यकर्ता परिसर के बाहर पहुंच गए। शाखा के कार्यकर्ताओं ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रद्द करने की मांग करते हुए संस्थान के खिलाफ नारेबाजी की। महाराष्ट्र के सोलापुर स्थित एक पुल पर से छलांग लगाने के कारण 12 काले हिरणों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए हैं। घटना सोलापुर बीजापुर राजमार्ग पर घटी। बताया जा रहा है कि रास्ता पार करने के दौरान काले हिरणों के इस झुंड ने 30 फुट ऊंचे पुल से छलांग लगा दी। जख्मी हिरणों को वन विभाग पशु चिकित्सालय ले जाया गया, जहां इनमें से 12 हिरणों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के नासिक से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। पिता और 2 बेटों ने अलग अलग कमरों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस के मुताबिक मृतक परिवार आर्थिक तंगी से परेशान था। पुलिस को शव के पास से सुसाइड नोट भी मिला है।